भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में, ठीक है। 2017 के बाद का भाई 2019 में, और 2019 के बाद भाई ये 2021 में, ठीक है। तो 2021 की रिपोर्ट 2022 में प्रकाशित हुई है ये, ठीक है। इसलिए 2022 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है ये, यानी कि 2022 के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उन सब के अंदर एक ना एक क्वेश्चन इस रिपोर्ट से आना 100% श्योरिटी है। एक या दो नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से आना 100% सत्य है, ठीक है। तो आपको इस रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। और 2019 की रिपोर्ट मैंने प्लेलिस्ट के अंदर, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बाद। संदर्भ देखते हैं सबसे पहले। हाल ही के अंदर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, ठीक है। अब इसको जारी कौन करता है? इसको भारत वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई इस द्विवार्षिक, तो आपको ये भी याद ध्यान रखना होगा कि दो सालों में एक बार ये प्रकाशित की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। देश के वन संसाधनों का आकलन किया जाता है यानी कि दो वर्षों में, प्रत्येक दो वर्षों में इसका आकलन किया जाता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या क्या है वो देखते हैं। देश के कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 9 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 9 मिलियन हेक्टेयर है, जिसके अंदर देश का कुल वन प्लस वृक्षों से भरा क्षेत्र 9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना है, तो आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा, 24.62%, ठीक है। तो कितना है यानी कि जो भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका कितना है, 24.62%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 2019 के आंकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ठीक है। जिसमें आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर के अधिकतम वन क्षेत्र का विकास किया है। तो सर्वाधिक वृद्धि कौन से राज्य में हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है। कितना है? 647 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें, सॉरी, इसमें वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। तो यहाँ पे वर्ग किलोमीटर का है किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है, यानी कि जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो सभी के लिए खुले होते हैं उसमें देखी गई है। उसके बाद यह बहुत घने जंगल में देखी गई है, ठीक है। पहले नंबर पर खुले जंगल है, उसके बाद जो डेंस फॉरेस्ट है उनके अंदर देखी गई है। डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वन क्षेत्र में वृद्धि के मामलों में शीर्ष 5 राज्य, तो वो है आंध्र प्रदेश जिसमें 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर है तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ये शीर्ष 5 राज्य हैं जिन्होंने वृद्धि देखी गई है। अब वन आच्छादन में बढ़ोतरी या वनावरण घनत्व में सुधार के लिए बेहतर संरक्षण उपायों, संरक्षण वनीकरण गतिविधियों, वृक्षारोपण अभियान और कृषि वानिकी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब इन्हीं कारणों की वजह से वृद्धि हो पाई है इन सब में, ठीक है। तो ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। देश के बड़े शहरों में अहमदाबाद वन क्षेत्र के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़ा शहर रहा, तो आपको ये याद रखना होगा। आप ये पूछ सकते हैं कि देश के बड़े शहरों के अंदर सबसे पिछड़ा शहर कौन सा रहा है, तो वो रहा है अहमदाबाद, ठीक है। अब देखते हैं अधिकतम वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पिछली बार 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर अधिकतम वनावरण वाला कौन सा था, तो वो था मध्य प्रदेश। तो पिछली बात है, इस बार भी मध्य प्रदेश ही सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य होगा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर है महाराष्ट्र का स्थान आता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश सर्वाधिक बड़ा वन क्षेत्र रखता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश रखता है दूसरे नंबर पर, फिर रखता है छत्तीसगढ़, फिर रखता है उड़ीसा चौथे नंबर पर और पाँचवें नंबर पर महाराष्ट्र। अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से पाँच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र है। कितना है? 75% से अधिक वन क्षेत्र है इन 5 राज्यों में, ठीक है।
अब देखते हैं देश में मैंग्रोव कवर। आपको पता होगा मैंग्रोव वनस्पति कौन सी होती है, तो मैंग्रोव वनस्पति वो होती है जो खारे जल में, खारे जल के अंदर उगती है, ठीक है, और समुद्री लहरों से बचाव करती है, ठीक है, वो होती है मैंग्रोव वनस्पति। जो जैसे मान लो कि यहाँ से नदी के लिए और ये समुद्र है तो बीच के अंदर जो संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये अधिकतर ग्रो करती है। तो देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। तो टोटल कितना है 4,992 वर्ग किलोमीटर, तो ये आप याद रखेंगे। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको ये भी याद रखना होगा 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि देश में मैंग्रोव कवर 2019 की रिपोर्ट के तुलना में 2021 की रिपोर्ट में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो ये 17 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है, और कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, तो वो है 4,992 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है ओडिशा, जिसके अंदर 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, शीर्ष तीन राज्य की बात कर रहा हूँ। इसके बाद महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और फिर कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर, टोटल कितने हो गए 8 और 4 12 12 3 15, ठीक है, बाकी गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन स्टॉक। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना, 7,204 मिलियन टन। कार्बन स्टॉक से यहाँ तात्पर्य यह है कि जो वन, ठीक है, पेड़ पौधों में जो वन, सॉरी वनों में जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा अपने श्वसन क्रिया के दौरान या अपना भोजन बनाने के दौरान जो कार्बन सोख ली जाती है वो कार्बन स्टॉक कहलाती है। ठीक है, जो कितनी है 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। वर्ष 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 2019 की तुलना में 2021 की रिपोर्ट के अंदर देश के कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई देखी गई है, तो वो है 4 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 7 मिलियन टन है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि कितनी है, तो वो है 7 मिलियन टन की वार्षिक वृद्धि है। अब देखते हैं चिंताएं, यानी कि समस्याएं क्या क्या हैं, इसके बारे में चिंताएं कौन सी हैं। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों ने सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि मान लो यूपी हुआ, बिहार हुआ और सेवन सिस्टर जैसी, है ना, वो सब, क्योंकि वर्तमान आकलन के अनुसार इस क्षेत्र में 1020 वर्ग किलोमीटर की सीमा तक वनावरण में कमी देखी गई है। ठीक है, तो ये आपसे देख ये भी पूछ सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों ने क्या सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, तो आपसे सेंटेंस आएगा क्या ये सही है, नहीं, तो आप गलत लगाओगे कि ये सही नहीं है क्योंकि उन्होंने नकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर का अधिकतम वन क्षेत्र नष्ट हो गया है। इसके बाद मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड में 235, मिजोरम में 186 वर्ग किलोमीटर और मेघालय के अंदर 73 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो कहीं वृद्धि हुई है, ठीक है, तो कहीं पे नुकसान भी हुआ है, तो अपन देख रहे हैं। फिर है पिछले दो वर्षों में, कितने दो वर्षों में देश के कुल 140 पहाड़ी जिलों के वन क्षेत्र 902 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। जो 140 पहाड़ी जिले हैं उनके वन क्षेत्रों में कितनी कमी आई है, 902 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। 2019 की रिपोर्ट में पहाड़ी क्षेत्रों में वन क्षेत्रों में 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जहां 2019 के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जिले थे उनके वन क्षेत्र में 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, वहीं 2021 की रिपोर्ट में 902 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये देखते हैं कि देश में वन आच्छादन बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास कौन कौन से रहे थे। 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कार्बन सिंक को बढ़ाने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में वृक्षारोपण में वृद्धि करने हेतु नगर वन योजना, कौन सी, नगर वन योजना, ठीक है, का आरंभ किया गया है। यह योजना अगले 5 वर्षों के लिए शुरू की गए हरित मिशन के दूसरे चरण में शामिल भी की जा चुकी है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे, जो अगले चरण अगले 5 वर्षों के लिए शुरू किए गए हरित मिशन, जो हरित मिशन शुरू किया गया अगले 5 वर्षों के लिए, उसके अंदर नगर वन योजना को दूसरे चरण में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कंक्लूजन, ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। तो वर्तमान में ISFR 2021 में भारतीय वन सर्वेक्षण FSI ने भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर नया अध्याय कौन सा शामिल किया गया, तो वो है टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन के लिए। ठीक है, इस संदर्भ में
टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन अरण्य में बदलाव पर यह दशकीय मूल्यांकन वर्षों से लागू किए गए संरक्षण उपायों और प्रबंधन के प्रभाव का आकलन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो यह मतलब कहने का मतलब यहाँ से यह है कि टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र हैं उनके अंदर कितनी वृद्धि हुई है या फिर कितनी कमी हुई है, तो वो सब जांच करने में इस रिपोर्ट से सहायता मिलेगी। फिर क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण की नई पहल के तहत एक नया अध्याय जोड़ा गया है जिसमें जमीन से ऊपर बायोमास अबव ग्राउंड बायोमास यानी कि AGB का अनुमान लगाया गया है। FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC इसरो अहमदाबाद के सहयोग से सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। डेटा के L बैंड का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर जमीन के ऊपर बायोमास के आकलन के लिए एक विशेष अध्ययन शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं किसके साथ मिलकर, इसरो के साथ मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ अबाउट ग्राउंड बायोमास का आकलन के लिए विशेष अध्ययन शुरू किया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस के सहयोग से भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट की मैपिंग पर आधारित एक अध्ययन किया है। कौन सा अध्ययन, भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट की मैपिंग पर। यह सहयोगात्मक अध्ययन भविष्य की तीन समय अवधियों यानी कि वर्ष 2030, 2050 और 2085 के लिए तापमान और वर्षा डेटा पर कंप्यूटर मॉडल आधारित अनुमान का उपयोग करते हुए भारत में वनावरण पर जलवायु हॉटस्पॉट का मानचित्रण करने के उद्देश्य से सहयोगात्मक अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो 2021 की रिपोर्ट के अंदर बिट्स प्लानिंग गोवा कैंपस के सहयोग से हॉटस्पॉट की मैपिंग पर आधारित एक अध्ययन किया गया। अब वो तीन समय अवधियां कौन कौन सी है, तो 2030 है, 2050 है और 2085 के लिए तापमान और वर्षा डेटा पर कंप्यूटर मॉडल आधारित अनुमान का उपयोग करते हुए, ठीक है, जलवायु हॉटस्पॉट का मानचित्रण तैयार करने के उद्देश्य से संयोगात्मक अध्ययन किया गया है। अब रिपोर्ट में राज्य केंद्रशासित क्षेत्र के अनुसार विभिन्न मापदंडों पर जानकारी शामिल है। रिपोर्ट में पहाड़ी आदिवासी जिलों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वनावरण पर विशेष विशेष जानकारी भी अलग से दी गई है। ठीक है, तो वो अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो मैंने इसमें कवर करवा दिया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है तो आप पहले 2019 की रिपोर्ट देखें, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर उसके बाद आप 2021 की रिपोर्ट जो अपने अभी पढ़ा उसको देखें, तो आपकी समझ अच्छी विकसित होगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो भी आप सब्सक्राइब कीजिए, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।